नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रुड़की में बुग्गावाला थाना क्षेत्र के गांव टांडा हसनगढ़ में 21 फरवरी को एक शादी समारोह के दौरान गोली चलने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल 14 वर्षीय बालक को अस्पताल पहुंचाया, पर इस दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले को मृतक बच्चे के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर उसे खेड़ी शिकोहपुर के रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। पूरी घटना का खुलासा करते हुए हरिद्वार SSP अजय सिंह ने बताया कि आरोपी के पास से पुलिस ने देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा भी बरामद किया है। फिलहाल आरोपी को जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। रुड़की से हमारे संवाददाता स्पर्श अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, बुग्गावाला में कल देर रात एक दुखद घटना हुई है। इसमें टांडा हसनगढ़ है गाँव है, वहाँ पर जो है शादी समारोह के दौरान एक बच्चे को फायर लगने के कारण उसमें इंजर्ड हुआ था, जिसके बाद उसकी देर रात्रि मृत्यु हो गई थी। चूंकि ये घटना संवेदनशील थी, 12 साल का ये परमजीत नाम है लड़के का, ये जो लोकल ये वहाँ पर था वो भी शादी समारोह में था, तो देर रात्रि टीमों ने पहुंचकर वहाँ पर हमारे जो अधिकारी गण है पूरी पूछताछ करी है और आज जो है अभी उसकी पहचान भी कर ली गई थी कि कौन व्यक्ति है जिसके द्वारा इस तरह की घटना हुई शराब के नशे में। इसका नाम है श्रवण कुमार, ये भी वही टाटा हसनगढ़ का रहने वाला है और इसे 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ जिससे फायर हुआ था। इसके द्वारा अभी पूछताछ से बताया गया कि अत्यधिक नशे में था और इसको ध्यान नहीं रहा, उसे गलती से या इसके फायर करने के चक्कर में इसे गलत चल गई गोली और बच्चे को लग गई थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।